हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एम ब्यूटी सिंह एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूँ टेंस को। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ। पहली बात, आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आपका डाउट टेंसेस में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पेन और कॉपी लेके मेरे साथ टेंसेस को समझने। दोस्तों, टेंसेस के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आज वो डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो क्या है, यहाँ देखो, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख के रखा है बहुत अच्छे से। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका डाउट हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा टेंस में। तो चलो इस डेफिनेशन को समझते हैं। टेंस क्या है? इट इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एंड समटाइम्स द कंटिन्यूएशन और अरे रुको, मैं तो पढ़ते जाऊंगा तो बताऊंगा कब। सबसे पहली बात, टेंस जो है दोस्तों, वर्ब से ज्यादा रिलेशन है इस चैप्टर का। तो अगर आप वर्ब नहीं समझ पाओगे तो टेंस तो भूल ही जाओ, कभी समझ में नहीं आएगा। तो एक सेकेंड, एक काम करो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है वर्ब के वीडियो में, ठीक है? वर्ब मैंने समझाया सिर्फ आपके लिए, और वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब पार्ट वन पार्ट टू में है। आप वो वीडियो जाके फटाफट से विजिट कीजिए, देख लीजिए, फिर आ जाइए टेंसेस पे, ठीक है? तो चलिए टेंस को कंटिन्यू करते हैं। इट इज अ वर्ब बेस्ड मेथड, टेंस जो है वो वर्ब बेस्ड मेथड है, इतना आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, टू इंडिकेट द टाइम, और ये किसको इंडिकेट करता है? वर्ब बेस्ड मेथड मतलब कहाँ, ऐसे नहीं है वो सेंटेंस में रहेगा, ओके? इट इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है? एंड समटाइम्स द कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस, और साथ ही से क्या करता है, कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन और स्टेट। और ये क्या करता है दोस्तों, ये कंटिन्यूएशन जो काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सेंटेंस में चल रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है, सेंटेंस में चल रहा है, वो काम खत्म हो गया है, चल रहा है मीन्स चलते रहेगा, ऑफ एन एक्शन और स्टेट इन रिलेशन टू टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इतना समझ गए होंगे, उसके बाद क्या दिया है, ऑफ एन एक्शन, ये कंटिन्यूएशन और जो कंप्लीटनेस है ये एक्शन में है, ठीक है? वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है तो उसी एक्शन में ही है, और स्टेट, एक्शन और स्टेट में भी है, इन रिलेशन टू टाइम ऑफ स्पीकिंग। रिलेशन क्या, मतलब समय के साथ इसका रिलेशन है, वो बोलने के समय, जो सेंटेंस में जो बोला गया है उस समय का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यही था दोस्तों टेंसेस। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो स्क्रीन पे देखो, पक्का समझ आ जाएगा। तो स्क्रीन में ध्यान से देखना, वरना बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ देखो टेंस दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये टेंस है। मैं आपका टेंस का पूरा क्लासिफाई करके बताता हूँ अच्छे से। टेंस क्या है, बना किससे है? पहले टेंस बना है, पहला है वर्ब इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन से, और एक वर्ब बेस्ड मेथड से। तो ये दो चीज मिलके टेंस बन गए। अब आप पूछेंगे, भाई ये वर्ब इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन, वर्ब बेस्ड मेथड, ये क्या है? वर्ब इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन का मतलब है, वर्ब जो है इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन को, समय, किस समय में एक्शन हो रहा है उसको इंडिकेट करेगा, वो हमारा वर्ब इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, वर्ब बेस्ड मेथड, ऑब्वियसली मैंने आपको अभी तो बोला था वो वर्ब बेस्ड मेथड है, वर्ब से ही ज्यादा रिलेशन है इसका। तो हो गया, इन दोनों चीजों को मिला के टेंस बन गया। टेंस बना, फिर टेंस अभी रिप्रेजेंट किसको करता है? यहाँ देखो, टेंस अभी फिर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वो दो चीजों क्या क्या है, सबसे पहला आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन में किस स्थान में हो रहा है, किस स्टेट में वो जो काम हो रहा है ना सेंटेंस में, और कहीं नहीं, ठीक है? जो काम हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है वो बताना है। और फिर है टाइम ऑफ एक्शन, किस समय में हो रहा है वो भी तो जानेंगे ना, तो वो था टाइम ऑफ एक्शन। तो दोस्तों यहाँ देखो, स्टेट ऑफ एक्शन भी और दो पार्ट में डिवाइड है, वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला है कंप्लीटेड, और ये आपका कंटिन्यूएशन। कंप्लीटेड जो है वो कंप्लीट मतलब जो खत्म हो गया, और कंटिन्यूएशन जो चल रहा है। एक्शन क्या है, टाइम ऑफ एक्शन, जैसे कि मान लो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट चल रहा है, आप मेरा वीडियो देख चुके हैं तो ये पास्ट हो गया, और फ्यूचर आप मेरा वीडियो देखने वाले हैं, या फिर तो वो है हमारा टाइम ऑफ एक्शन। तो दोस्तों इससे आपको एक चीज आ रहा होगा, सर आपने तो डेफिनेशन को इतना अच्छे से क्लासिफाई कर दिया। अरे डेफिनेशन को ही तो मैं समझा रहा था। तो दोस्तों यहाँ देखो, अभी आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, रुकिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को समझने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, इसका पहले एक एग्जांपल लेके आप क्लियर और अच्छे से हो जाए, फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस पे दोस्तों। यहाँ देखो, मुकेश ईट चॉकलेट, तो दोस्तों मुकेश यहाँ क्या कर रहा है, मुकेश चॉकलेट खा रहा है। तो मुकेश ईट चॉकलेट, यहाँ पे दोस्तों वर्ब क्या है, मुकेश चॉकलेट खा रहा है, काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। तो खाने का जो काम है वो काम तो हो रहा है, तो हमारा डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड हो गया। तो यहाँ पे ईट जो है वो क्या है भाई, वर्ब है। तो वर्ब हुआ तो टेंस क्या है, कोई पूछे टेंस क्या है ना, टेंस वर्ब बेस्ड मेथड है, तो वर्ब बेस्ड मेथड तो टेंस ही तो हुआ ना, तो ई इज इक्वल टू टेंस, ओके? तो ये टेंस ही हुआ।
क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक 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 सेकंड, यहाँ जो ये ईट है, यहाँ मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, वर्ब बेस्ड मेथड ठीक था, पर ये ईट हमारा वी वन वी टू वी थ्री सुना है कभी आपने? अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये कुछ चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इस चार्ट को भी जरूरी से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है? छोटा सा है, आराम से याद कर लेना। यहाँ वी वन वी टू, वी वन वी टू, जैसे कि देखो वी वन में वी वन फॉर्म, वी टू और एक वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री मैंने तीनों ले लिए। तो वी वन में इसी को ही लूंगा मैं, ठीक है? ईट, ईट हमारा वी वन फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है? फिर वी टू में होगा एट, वी वन में ईट, वी टू में एट, और वी थ्री में क्या होगा? इटेन होगा, ठीक है? ईट एट इटेन। तो ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब जानेंगे टाइप ऑफ टेंसेस के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड टाइप ऑफ टेंसेस क्या है? टेंसेस के प्रकार। ये जो टेंस नहीं है, इसके कुछ टाइप्स भी है, देखो टेंस, और ये रहा टाइप ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस। यहाँ देख सकते हो ये हमारे टाइप्स ऑफ टेंस है। एक सेकंड, ये थोड़े टाइप ऑफ, ये तो खाली मैंने लिख दिया। टाइप्स ऑफ टेंस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बस। नहीं 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 नहीं, वो सब छोड़ो। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ टेंस जो है ना दोस्तों, वो हमारे दो प्रकार के हैं। वो दो प्रकार के क्या क्या है? सबसे पहला यहाँ देखो आप, दो प्रकार के आपके हो जाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और एक आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस, ये हमारे दो तरह के टेंस हो गए दोस्तों। तीसरा क्या आपका? फ्यूचर टेंस। पर नहीं, यहाँ दो तरह के टेंस है, फ्यूचर क्यों नहीं हुआ? यहाँ देखो मैं आपको फ्यूचर टेंस क्यों नहीं हुआ टाइप्स ऑफ में मैं आपको बताता हूँ। देखो स्क्रीन पे क्यों नहीं है, ये आप मुझसे पक्का सवाल कर रहे होगे, तो बता रहा हूँ फ्यूचर क्यों टेंस नहीं है। फ्यूचर हमारे इसीलिए टेंस नहीं है क्योंकि फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन वर्ब फॉर्म टू बी एक्सप्रेस, इट टेक्स प्रेजेंट वर्ब फॉर्म। बताता हूँ फ्यूचर टेंस जो है उसका खुद का वर्ब फॉर्म नहीं है ना। V1, V2, V3 मैंने आपको भी समझाया था ना दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, वो तो मैंने आपको तीनों बताया, पर वहाँ फ्यूचर तो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि फ्यूचर होगा ही नहीं वहाँ पे। वो एक्चुअली करता क्या है, V1 नहीं है ना, V1 का फॉर्म को ही ले लेता है फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस जो है ना, वो V1 फॉर्म को लेके एक्सप्रेस करता है फ्यूचर बोलते। तो ये कहाँ से टेंस हो गया आप ही मुझे बताओ, नहीं होगा टेंस ये, पर हाँ ये टाइम जरूर हो सकता है, टेंस तो नहीं हुआ, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप मेरा वीडियो देख चुके हैं, कल फिर मेरा और एक वीडियो आप देखोगे, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारा टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ देखो पास्ट टेंस, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया दोस्तों स्क्रीन पे। अभी यहाँ देखो प्रेजेंट पास्ट एंड, ये हमारे दोनों क्या हो गए? टाइप्स ऑफ टेंस। यहाँ लिखा है तो फिर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे दोनों टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गए। तो ये खत्म हुआ, उसके बाद मैं बताता हूँ फ्यूचर के बारे में, मतलब तीन तरह के टाइम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? टाइम्स, तो टाइम्स जो है वो कितने प्रकार के हैं? अभी बोला मैंने आपको तीन प्रकार के हैं ना भाई, तीन प्रकार के क्या क्या हो गए? पहला ये स्क्रीन पे देखने, पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ये तीन तरह के आपके हो गए, ठीक है? तो दोस्तों टाइप्स ऑफ टेंस मैंने आपको बता दिया, अब चलिए सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस के ही बारे में। चलिए सबसे पहले एक एक को समझते हैं, पहला मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखो तो प्रेजेंट टेंस जो है वो भी चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो चारों पार्ट्स क्या क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये चार पार्ट हो गए। इन चारों पार्ट को हम समझेंगे, पर सबसे पहले एक प्रेजेंट टेंस क्या है, मैंने आपको तीन बार बोल चुका है। प्रेजेंट टेंस जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप खाना खा रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है। सबसे पहले मैं तो आपको प्रेजेंट टेंस समझा चुका हूँ, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा प्रेजेंट सिंपल। तो ये है क्या प्रेजेंट सिंपल, आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे देखो प्रेजेंट सिंपल का डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज सब्जेक्ट, देन इन सिंपल प्रेजेंट टेक्स वर्ब एस एंड ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में क्या बोला है कि अगर दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, तीसरा पर्सन जो कि सिंगुलर नंबर में है, तीसरा पर्सन, जैसे कि जो मैं आपको एक टेबल देता हूँ उसको देख के पक्का समझ जाओगे। तो यहाँ देखो इज सब्जेक्ट देन इट सिंपल प्रेजेंट टेक्स वर्ब, और क्या बोला है क्या
कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो वर्ब यूज करता है, क्या ना, एस और यस फॉर्म में यूज करता है, ठीक है। वो अभी यहाँ आप टेबल देख लो दोस्तों, इस टेबल को देख के समझ लो वो जो नहीं था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो यहाँ देखो टेबल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखो ही शी इट, ये तीसरा पर्सन, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट वेल, तो ही जो है, या टेबल याद रखना फ्रेंड, टेबल, तो ये टेबल में थर्ड पर्सन सिंगुलर कहाँ है मुझे बताओगे जरा, ही हुआ, शी हुआ, इट। तो इस सेंटेंस में आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है वो हमारा ही है, राइट। तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, क्लियर। यस, वर्ब फॉर्म की वो मैं आपको बोर्ड में लिख के, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो मैंने 1, 2, 3 एग्जांपल ले लिया आपके लिए। तो चलिए इन तीनों को सॉल्व करके वर्ब के फॉर्म्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, इट रेन्स हैवीली इन द मॉर्निंग, इट रेन्स हैवीली, इट जो है वो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेन्स हैवीली इन द मॉर्निंग, ना क्या हो रहा था सुबह में, ना बारिश हो रहा था, तो बारिश होना तो एक्शन वर्ड हुआ ना, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया। चलो वर्ब हो गया, वर्ब के फॉर्म में आ रहा है क्या, ये वर्ब है, और ये वर्ब के कौन से फॉर्म में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल के कौन से फॉर्म, ई एस या एस, इन दोनों में से किस में आ रहा है, ना ये एस में आ रहा है, तो वर्ब का ये कौन से फॉर्म में आया, एस फॉर्म में आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, इसको भी समझते हैं। चलो, मुकेश कुक्स फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, मुकेश जो है खाना बनाता है अपने दोस्तों के लिए, तो यहाँ पे मुकेश हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ही इज अ फर्स्ट पर्सन, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, लिख देता हूँ फर्स्ट, मुकेश हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। तो कुक्स फूड फॉर हिज फ्रेंड, ये खाना, एक सेकेंड, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है आप मुझे बताओ, मैं तब से तो वर्ब समझा ही रहा हूँ, वर्ब क्या है यहाँ पे, कुक्स, काम क्या चल रहा है ना, खाना बनाने का काम चल रहा है, कुक, ये जो यहाँ फर्स्ट पर्सन के बाद है इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब है दोस्तों, वर्ब है तो वर्ब फॉर्म भी होगा, तो यहाँ कौन सा वर्ब फॉर्म है, ना यहाँ पे भी एस का वर्ब फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा ये, ठीक है। तीसरा है, शी राइट्स अ लेटर फॉर हर मदर, तो ये जो है यहाँ शी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। उसके बाद क्या है, राइट्स अ लेटर, ए क्या, राइट्स अ लेटर फॉर हर मदर, तो ये जो अपनी मम्मी के लिए लेटर लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ जो इस सेंटेंस में काम क्या चल रहा है ना, हाँ काम चल रहा है लेटर लिखने का, लिखने का, लिखने का राइट्स हुआ, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हमारा वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब हो गया, तो वर्ब में एस, मतलब इस ये जो है डूइंग वर्ड है ना, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे एस और ईएस है क्या, ना यहाँ पे भी ईएस है, देखो कैसे ई एस फॉर्म में आ गया। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है फ्रेंड, इसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। व्हेन अ वर्ब इज कंटिन्यूड इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और तो यहां देखो, व्हेन अ वर्ब इज कंटिन्यूड इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटीन्यूअस टेंस। तो जो कोई भी कार्य, मतलब वर्तमान काल में चल रहा होगा, बिना रुके कंटिन्यूअसली चल रहा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हो, वो हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। उसके बाद क्या है, वर्ब फॉर्म, यहाँ वर्ब फॉर्म भी ऐड है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी फॉर्म होना चाहिए सेंटेंस में, कहाँ होना चाहिए ना, सेंटेंस में, तो ही हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, चलिए इन तीनों को सॉल्व करते हैं। आई एम राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो दोस्तों इस सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ इसको इसके साथ मैच करो, आई आया, आई हमारा क्या है, क्या बोला है, सब्जेक्ट बोला है वर्ब फॉर्म में, तो आई हमारा क्या हो गया, एस सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, एम आ गया, ई जे एम आर में से कुछ तो आया ना, एम आ गया वर्ब फॉर्म का, एम भी आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ अभी क्या करना है हमें, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमें सिर्फ खोजना है वर्ब, इस सेंटेंस में डूइंग वर्ड क्या है, कार्य क्या चल रहा है ना, साइकिल चलाने का कार्य चल रहा है, तो चलाना भी तो एक काम हुआ, तो डूइंग वर्ड हुआ, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया, वर्ब फॉर्म में यहाँ पे आई एन जी है क्या,
आईएनजी तो है यहाँ पे वर्ब फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? ये कंटिन्यूअसली चलाने का काम चल रहा है, वो रुक रुक के थोड़ा ही चला रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हो गया ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्लियर? अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित इज राइटिंग अ नॉवेल। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रोहित है, रोहित सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कुछ है क्या? ना है, इज है यहाँ पे। उसके बाद राइटिंग अ नॉवेल, यहाँ अभी क्या करना है हमें, बिल्कुल से यहाँ में वर्ब देखना है। क्या काम चल रहा है ना, काम चल रहा है लिखने का, तो लिखना तो काम हुआ, तो राइटिंग हमारा हो जाएगा वर्ब। वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए था हमें, यहाँ आईएनजी है क्या? हाँ आईएनजी है यहाँ पे, तो ये भी हमारा हो जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा क्वेश्चन देखो, दे आर स्लीपिंग देयर, वो वहाँ सो रहे हैं, तो यहाँ पे देट है सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो, दे आर स्लीपिंग देयर, वो वहाँ सो रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इज एम आर में से क्या है, वेरी गुड आर है, और उसके बाद क्या है, स्लीपिंग देयर, वो कहाँ सो, स्लीपिंग। अभी हमें क्या करना है, मैंने बोला था ना वर्ब खोजेंगे अभी हमें, तो क्या है वर्ब, कहाँ है यहाँ, स्लीपिंग वर्ब है। काम क्या चल रहा है, नहा, काम चल रहा है सोने का, तो स्लीपिंग हमारा वर्ब हो गया। वर्ब प्लस आईएनजी भी तो चाहिए था, तो आईएनजी कहाँ है, ये आईएनजी मिल गया, हो गया हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो इसी को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर और नियर पास्ट। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है, अभी बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज्ड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, वो यूज कब होता है ना, जब कार्य तो वो पहले यूज हो जाएगा या तो पास्ट से पहले यूज हो सकता है, ठीक है। तो वही हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट आ रहा है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसका वर्ब फॉर्म भी है दोस्तों, क्या क्या है देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अगर सेंटेंस में हुए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए डाउट क्लियर के लिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं, समझते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, और साथ ही साथ ऊपर V2 वर्ब फॉर्म भी लिख दिया है, ठीक है, क्लियरेंस के लिए। यहाँ देखो, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इसने अपना वर्क जो है, मतलब कार्य जो है वो खत्म कर लिया, तो ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीटेड है क्या? सेंटेंस मत देखो, यहाँ जो सेंटेंस में जो काम किया था उसने वर्क को, वो कंप्लीट किया है या नहीं है? कंप्लीटेड है, तो लिखा भी तो कंप्लीटेड ही है, तो कंप्लीट हुआ है उसका वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसमें हमें क्या बोला गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो कि यूज कब होता है, जब कोई भी सेंटेंस में वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क सेंटेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, वर्क कंप्लीट होना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीटेड है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, तो एक तो मैंने आपको बताया कि वर्क कंप्लीट होना चाहिए, जान गए हो, तो अब यहाँ हमें वर्ब फॉर्म को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ही हमारा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज है, वैसा भी तो कुछ होना चाहिए, क्या हैज दिया है तो हैज भी है, तो ये भी एक वर्ब फॉर्म में आया। उसके बाद क्या है, V3, जैसे कि डू, जैसे कि आपका गो वेंट गॉन होता है, वैसे ही डू डिड डन होता है, ठीक, उसी तरह से यहाँ कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड होता है, ठीक है, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ देखो हिज वर्क, तो हो गया ना हमारा ये क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर, कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखो, दे हैव सोल्ड योर कंप्यूटर, उन्होंने तुम्हारा कंप्यूटर बेच दिया, ठीक है, कंप्यूटर बेच दिया, दे हैव सोल्ड योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट कौन है मुझे आप बताइए, यहाँ है हमारा सब्जेक्ट दे। उसके बाद हैव सोल्ड देयर कंप्यूटर, हैज हैव में से कुछ लगा है ना, हाँ भाई हैव लगा है। उसके बाद सोल्ड योर कंप्यूटर, काम क्या हुआ ना, बेचने का, बेचना भी तो एक काम ही है ना, तो सोल्ड हमारा, ये भीतरी फॉर्म में है कि नहीं, भीतरी में, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मैं इसको सर्कुल कर देता हूँ। तो उसके बाद तीसरा देखते हैं, शी हैज कॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया या देख लिया या पकड़ लिया, शी हैज कॉट द थीफ, ठीक है, पकड़ लिया, तो शी हमारा सब्जेक्ट हुआ, ओके। उसके बाद हैज है में से हैज लगा है, ठीक है, वर्ब फॉर्म में आ रहा है, कॉट अ थीफ। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए, यहाँ क्या किया उसने, थीफ को पकड़ लिया, पकड़ना भी तो एक काम ही है ना,
V3 को पकड़ लिया तो cot हमारा क्या हो जाएगा, V3 में आ रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, present perfect हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अभी तो हम जान गए प्रेजेंट परफेक्ट को, अभी हम क्या जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बारे में, प्रोग्रेसिव के पीछे। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बारे में, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ये जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है इसको हम कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, व्हेन अ वर्क इज कंटिन्यूएड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द कंटिन्यूएड वर्क इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस भी कह सकते हो, मैं कंटिन्यूअस कहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो क्या है, कोई भी वर्क प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला गया था, वर्क कंप्लीटेड होना चाहिए। यहाँ अगर वर्क कंप्लीट नहीं रहेगा, अगर कंप्लीट नहीं रहा तो मतलब चलते रहेगा कंटिन्यूअसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो द कंटिन्यूड वर्क इज कॉल्ड, जो चलते रहेगा तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो वही है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ मैंने उसका वर्ब फॉर्म लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका वर्ब फॉर्म है। इसको याद कर लीजिए तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे जो कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल्स में देता हूँ चलिए। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मैं जो हूँ होमवर्क कर रहा हूँ सुबह से लेके अभी तक। तो ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है, उसी के लिए मैंने यह वर्क फॉर्म ले चुका हूँ। आप देख लो वर्क फॉर्म, यहाँ पे इसी फॉर्म को यहाँ अप्लाई करके हम चेक करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, have been, have आ रहा है ना, has में से have आ गया, चलो ये भी आ गया, उसके बाद been भी आ गया, उसके बाद verb का ing भी आ गया, doing, यहाँ पे देखो ये ing form ये है। ठीक है, ing भी आ गया, homework since morning। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ये हमारा हो जाएगा present perfect progressive। clear? तो दोस्तों दूसरा example देखो, दूसरा example, she has been living this city, ये जो है ये city में रह रही है, क्या कर रही है ना, city में रह रही है। ठीक है, तो यहाँ सी हमारा सब्जेक्ट मिल गया, हैज और हैव में से हैज मिला, उसके बाद क्या है, बीन, बीन भी है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए था, देखो आईएनजी मिल गया, आईएनजी लिविंग हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो दोस्तों इसी को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों आज के लिए टेंसेस में बस इतना ही। दोस्तों टाइप्स ऑफ टेंस मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट तक ही समझाया है, पास्ट टेंस जो वीडियो है वो मैं कल जल्दी से अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल कुछ भी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उस बेल आइकन को बहुत लोगों ने क्लिक नहीं किया, आप करोगे तो अच्छा ही, आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के।